जोश और जज्बे से लबरेज ये चेहरे जो अपने हाव भाव से पूरी कहानी कह रहे हैं, किसी फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे बल्कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में होने वाले एक नाटक की तैयारी कर रहे हैं। कहने को तो सिनेमा की बढ़ती लोकप्रियता से रंगमंच पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन ऐसा है नहीं। कुछ जगहों पर रंगमंच न केवल जारी है बल्कि फल फूल भी रहा है। इससे जुड़े कलाकारों का जुनून ही है कि नाट्यकला अपने विविध रूपों में मौजूद है। मेरी किसी महबूबा की दी हुई निशानी नहीं है। कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज्यादा दर्शक आते हैं, कहीं पर कम आते हैं, तो ये अलग अलग तरह के रंगमंच के साथ अलग अलग तरह का व्यवहार हम पाते हैं। आज भी उसकी अपनी जगह समाज में बनी हुई है, और अगर लगता है कि कम दर्शक आ रहे हैं या कम लोग आ रहे हैं तो ये चिंता का बहुत बड़ा विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई कलाकार कला के क्षेत्र में आता है तो वो कहना चाहता है या करना चाहता है या करना चाहती है जो उसके दिल में है, और वही उसको करना चाहिए। क्योंकि जैसे टैगोर ने कहा कि हमें अकेले रहने की और खड़े होने की ताकत होनी चाहिए, तो अगर आज कम लोग उस काम को पसंद कर रहे हैं तो भी हमें बहुत घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल वो संख्या बढ़ जाए, या आज जिसको बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं कल उसको कम लोग देखना शुरू कर दे। देश में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से शुरू हुई नाट्यकला एक लंबा सफर तय कर अपने मौजूदा स्वरूप में पहुंची है। इसने शास्त्रीय से पारंपरिक और वहां से आधुनिक स्वरूप पाया। यह कला सिनेमा की तरह चमक दमक से भरी हुई नहीं है और ना ही सिनेमा की तरह पलायनवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। इसके केंद्र बिंदु में आम आदमी और सामाजिक समस्याएं होती हैं। इसके अलावा रंगमंच दर्शकों के साथ एक जीवंत वार्तालाप है। उसके कलाकारों को भी दर्शकों के सामने बिना किसी गलती के अपनी कला का प्रदर्शन करना पड़ता है, जो कि बेहद मुश्किल है। कलाकार के लिए बहुत कठिन है एक परफॉर्मेंस को पूरी तरह से अदा करना, मतलब उसको भूलना नहीं चाहिए, उसको उसकी एक एक हरकत को जीवित करना चाहिए और पूरे समय अपने पूरे तन मन से उसको अदा करना होता है। तो ये बड़े परिश्रम और कठिनाई के बाद ही इस तरह की महारत हासिल होती है। अपने पारंपरिक चरण में नाट्यकला ने प्रांतीय क्षेत्रों में अपनी जगह बनाई। गुजरात में भवई, पश्चिम बंगाल में जातरा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्वांग, कर्नाटक में यक्षगाना काफी प्रचलित हुए। लेकिन अब यह कला प्रांतीय क्षेत्रों में भी थोड़ी कमजोर पड़ गई है। रंगमंच के सामने कई चुनौतियां हैं जिनके चलते लोग इससे जुड़ने से कतराते हैं। इनमें से प्रमुख है कलाकारों को मिल रहा मेहनताना। कलाकारों के अभिनय को देखते समय लोग भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है जिन्हें आजीविका की जरूरत होती है। रंगमंच में विडंबना ये है कि वो अभिनेता का माध्यम है, लेकिन हम ये पाते हैं कि अभिनेता के अलावा हर किसी को उसमें से काफी आमदनी हो जाती है। कई बार जब कलाकार करता है तो हमें उसका काम बहुत आसान लगता है, हम सोच नहीं पाते हैं कि इसके पीछे कितना परिश्रम गया है, कितनी मेहनत गई है, जिंदगी लग जाती है कई बार आपको ये महसूस करने में कि हाँ अब मैं कहीं पहुंच पाई हूँ या पहुंच पाया हूँ। तो उसके लिए जिस तरह का समाज को उसका पोषण करना चाहिए या जिस तरह से उसकी कद्र करनी चाहिए, उसमें कहीं कमी रह गई है। और मुझे लगता है ये समाज को सोचना चाहिए, समाज के बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए। विश्व थिएटर दिवस की शुरुआत फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय नाट्यकला संस्थान ने साल 1961 में की थी। इस अवसर पर देश विदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिनके द्वारा दर्शकों के बीच रंगमंच के महत्व को ले जाया जाता है। रंगमंच की हमारे जीवन में क्या अहमियत है, इसका प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि CBSE ने इसे अपने पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है। मशहूर रंगमंच शख्सियत त्रिपुरारी शर्मा ने इस अवसर पर रंगमंच प्रेमियों को संदेश भी दिया है। अभी जैसे कि CBSE ने भी इसको अब अपने करिकुलम में लाए हैं, तो इससे ये जाहिर होता है कि आखिरकार उसकी ये पहचान हुई है कि वो केवल दूर से देखने की चीज नहीं है पर समझने की चीज है और आत्मसात करने की चीज है। ये जिंदगी के रंग का ही मंच है कि जिंदगी के जितने रंग हैं, जितने अनुभव हैं, जितने तौर तरीके हैं, वो उन सब में से उसका सार निकालकर उसको एक मंच पे लाता है। कल्पना में जाने की शक्ति है, ये बहुत बड़ी शक्ति है थिएटर की, क्योंकि वो असंभव को संभव करती है।
और मुझे लगता है कि जो समाज असंभव के संभव होने पर यकीन करता है वो अपने बहुत सारे सपनों को जीवित कर सकता है, और जहाँ सपने होते हैं और जहाँ हम सपनों की संभावना में विश्वास करते हैं तो वो जीवन भी और वो समाज भी और वो दुनिया भी जाहिर है हमेशा एक ऐसी होती है जो आगे की ओर बढ़ रही होती है, जो आगे कुछ देख रही होती है और अपने से बेहतर ही देख रही होती है। रंगमंच केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि वह हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है। रंगमंच सपनों की वो दुनिया है जो हमें एक असंभव सी लगने वाली दुनिया को पाने के लिए प्रेरित करता है, और वक्त के साथ चाहे इसमें कितने ही बदलाव क्यों ना आए, रंगमंच की अहमियत हमेशा बरकरार रहेगी। उमंग शर्मा के साथ चारुल सिंह, DD News।